ऑनर गाइस, हम लोग आ चुके हैं एविल नन के चैप्टर वन का वीडियो को लेकर। तो यहाँ पर एविल नन के हॉरर स्टोरी का इंट्रोडक्शन हो चुका स्टार्ट। इस गेम का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स हमारे शरारतों से परेशान होकर हमें एविल नन के इस हॉस्टल में छोड़कर जाने वाले हैं, और उसके बाद एविल नन हमारे कुटाई करके इस हॉस्टल में हमें कैद करने वाली है, और फिर दूसरे हॉरर गेम की तरह हमें इस स्कूल से भी करना होगा एस्केप। और यहाँ पर जैसे कि सामने एविल नन आ चुकी है, और मुझे पता है मैं जैसे ही पीछे मुड़ूंगा वो मारेगी मुझे। ऑल राइट गाइस, ठुकाई के बाद यहाँ पर हमारा गेम हो चुका स्टार्ट। यहाँ पर डे वन आ चुका है और शायद हमें यहाँ पर 3 दिन ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस गेम को फर्स्ट टाइम एवर खेलने जा रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग आराम से इस घर से भी स्केप कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइस हमें गेम का स्टार्टिंग में एक छोटा सा घटिया सा रूम में स्पॉन किया गया है, जहाँ पर एक बुक और एक अलमीरा है, वो भी दोनों खाली के खाली है, और एक एविल नन का फोटो है जिसमें फ्रेम नहीं है। तो चलिए, पिछले वाले रूम में तो हमें कुछ मिला नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ अगर काम का मिल जाए। तो यहाँ पर गाइस हम लोग बिल्कुल एक नए जगह पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर छत पर जाने के लिए स्टेयर्स है, स्टेयर्स के हेल्प से हम लोग छत पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग छत पर तो आ चुके हैं, यहाँ पर एक डोर है जिसे हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम लोग एविल नन के फेवरेट रूम में आ चुके हैं, जहाँ पर एविल नन बैठ कर यहाँ पर चुहा केसरी करती है और पूरे रूम को पेंट करती है। तो गाइस मुझे लगता है कि ये रूम अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर चुहा केसरी करना बाकी है। यहाँ पर 50-60% यहाँ पर वर्क हुआ है और बाकी है, कोई दिक्कत नहीं गाइस, हमारी एविल नन एक दिन में उसे भी निपटा देगी। तो यहाँ पर मुझे किचन से स्मॉल केबल मिल चुका है, और मुझे पता है कि स्मॉल केबल का यूज कहाँ पर होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पैनल में इसे हम लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल केबल को लगा दिया और यहाँ पर मैंने डोर को भी बंद कर दिया। और ऑलराइट गाइस, यहाँ पर साउंड हो चुका है और यहाँ पर एविल नन आती होगी और यहाँ पर आ भी चुकी है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग आराम से एविल नन से पीछा छुड़ा सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा रोटेशन मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर एविल नन पीछे बैक साइड जा चुकी है, तो यहाँ पर हम लोग एविल नन का भी काट चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग वायर का पीछा करके नीचे जाने वाले हैं, और नीचे जाके हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक स्विच को गाइस ऑन करते ही जितना भी साइड है जो हम लोग नहीं जा सकते थे, जिसे हम लोग विजिट नहीं कर सकते थे, वो सारा का सारा साइट अनलॉक हो जाएगा, और फिर हमें इस घर से एस्केप करने में थोड़ा और ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्विच को दबाकर शटर को तो ओपन कर दिया है। तो गाइस एक छोटा सा कट के बाद हम लोग वापस से आ चुके हैं। तो गाइस नीचे में गाइस मैंने एक एक करके सारा का सारा रूम को चेक किया है, लेकिन मुझे नीचे में बस एक ये कार्ड मिला है और कुछ भी काम का नहीं मिला है। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं इस अलमीरा में देख लेता हूँ। तो यहाँ पर से मुझे एक ब्रूम मिल चुका है, अब मुझे पता है कि ये ब्रूम कहाँ पर यूज होता है। इसके हेल्प से हमें कुकी बॉक्स को नीचे उतारना है, और उसके बाद उसके अंदर से मुझे मास्टर की मिल जाएगा, और फिर मैं इस गेम को स्केप कर जाऊंगा। यहाँ पर गाइस सामने से एविल नन जा रही है, तो उसे हम लोग जाने देते हैं। तो यहाँ पर एविल नन अपने रास्ते जा चुकी है, अब यहाँ पर हम लोग आराम से इस घर में चेक कर सकते हैं कि आखिरकार वो कुकी बॉक्स में मिलेगा कहाँ पर, क्योंकि गाइस मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि कुकी बॉक्स के अंदर से हमें मास्टर की मिलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कुकी बॉक्स कहाँ पर मिलता है। तो बैक वाले साइड में एविल नन गई है, तो हम लोग यहाँ पर फ्रंट वाले साइड में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और इस वाले साइड में हम लोग चेक करने वाले हैं कि कुकी बॉक्स आखिरकार मिलेगा कहाँ पर हमें। तो यहाँ पर इस वाले रूम में देख लेते हैं, तो ये रूम में तो कुछ है नहीं। यहाँ पर हम लोग ट्रैप डोर को हटा कर आगे चलते हैं। ऑल राइट गाइस, वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर से हमें कुकी बॉक्स मिलेगा। तो सबसे पहले हमें उस साइड को जाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें इस चेयर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग ब्रूम के हेल्प से उस कुकी बॉक्स को नीचे उतार सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रूम का हेल्प से कुकी बॉक्स को नीचे उतार लिया है, अब हमें इसे थोड़ा हाई प्लेस से नीचे ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करते ही इसके अंदर से हमें मास्टर की मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ पर हम लोग अपने कुकी बॉक्स को लेकर ऊपर की साइड आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें बालकोनी से इसे ड्रॉप करना था, जिसे हमने ड्रॉप भी कर दिया, और हमारा कुकी बॉक्स ओपन भी हो चुका है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर हम लोग नीचे आ चुके हैं, गेम हो चुका है ऑलमोस्ट खत्म। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट जाके फटाफट कीजिए कि आपको ग्रैनी पसंद है या एविल नन, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको किस गेम का कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद है, ग्रैनी या एविल नन का। तो गाइस कुछ ज्यादा ही जल्दी इस गेम को हमने कम्प्लीट कर दिया है, मुझे तो लगता है कि ये गेम स्टार्ट होते ही खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एविल नन के चैप्टर 1 का डोर स्केप को कर दिया है कम्प्लीट। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे। Thanks for watching.